दोस्तों मैं अभी नीचे आया हूँ और नीचे आके मैं अपने कबूतर को ढूंढ रहा हूँ। बेसिकली तकरीबन सारे कबूतर ही मेरे बैठ गए हुए हैं और मैं पेड़ों की छाव में खड़े होके ये देख रहा हूँ कोई मिल जाए। ये साथ वाला लड़का जो है ये भी छेड़े लगा रहा है अपने कबूतरों के ऊपर से, और मेरा जो डमरू है वो तो बैठ चुका है। बाकी मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरी जो मेरा कबूतर का नाम डमरू है ये मैंने बहुत पहले का रखा हुआ है। तो प्लीज़ जो अगर शानी भाई ये वीडियो देखें तो प्लीज़ अपने पे मत लीजिएगा। मैंने तो खोखर ने जो आपका नाम लिया या जो भी है जिस तरह से आप पुकारते हैं आपको बेसिकली, वो तो वो आपका पर्सनल इशू है या पर्सनल दोस्ती या यारी जो भी है। मैं बस ये कहूँगा कि आप अपना इस चीज़ को पर्सनल मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने अब मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिएगा, मैंने तो बहुत पहले से अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि मेरे ये कबूतर का नाम डमरू है। तो प्लीज़ ये आपके लिए नहीं है, ना मैंने आपके लिए वर्ड यूज़ किया, ये मैंने पहले का ही रखा हुआ है। क्योंकि मेरा वो कबूतर जो है वो गोल मटोल सा कबूतर है, वो उड़ता अच्छा है लेकिन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डमरू जैसा जैसा वैसा है वैसा ही है, इस वजह से मैंने नाम रखा हुआ है, बाकी कोई और वजह नहीं है कोई। तो अब तो खैर बोला भी नहीं जा रहा, मुंह सूख रहा है, ये साथ वाला लड़का छेड़े छूड़े लगा रहा है। मेरे भी कबूतर जो हैं क्या कहते हैं तकरीबन सारे ही बैठ गए हुए हैं, एक मादी नहीं नज़र आ रही मुझे, एक मादी कहाँ गई वो समझ नहीं आई, ऊपर ही है लेकिन दिख नहीं रही। ऊपर इतना मौसम गंदा सा हुआ हुआ, धुंधला सा मौसम हुआ हुआ है, ऊपर गया था मैं अभी थोड़ी देर पहले लेकिन नहीं यार ऊपर नहीं बैठा जाता, मैं नीचे ही आ गया हूँ पेड़ों की छाव में। ये लड़के ने छेड़ लगा दी, चलो इसकी छेड़ से ही मेरे कबूतर शायद वापस आ जाए। तो मादी है वो, बटेरन मादी है, तो देखते हैं आती कि नहीं आती है। बाकी मैं सिंपल ये वीडियो जो है ये पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ स्पेसिफिकली, जो है हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं कुछ बुरा मान जाते हैं बातों को, तो खैर प्लीज़ जो है किसी के लिए कोई गलत बात नहीं करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बना के मैंने डाली थी और उस पर मैंने यही कहा था कि उमर खोखर का नाम लेके बहुत सारे लोग जो हैं चैलेंज या वीडियोज़ या बाजियाँ लगा रहे के लिए, तो यार छोड़ो उसको, उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी, एंटरटेनमेंट ढूंढो और जहाँ से आपको एंटरटेनमेंट मिलती है वो आप वैसी चीज़ें देखो और उसको अपना काम करने दो, और आप एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लिया करो। जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी यही कहूँगा यार कि वो उसका स्वभाव ही ऐसा है, बेसिकली एटीट्यूड ही ऐसा है, उसका नेचर ही उसका ऐसा है, तो उसकी बातों का खैर बुरा ना माना करें जो भी लोग बुरा मान जाते हैं। तो मैं अभी अपनी मादी ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो मिल नहीं रही, ऊपर देखा भी नहीं जा रहा, मैं नीचे खड़े होकर देख रहा हूँ। भाई साहब भी ऊपर से आ गए हम नीचे थक हार के, ये साथ वाले लड़के आ छोड़े हुए कबूतर बाहर, तो देखते हैं आती कि नहीं आती है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये वीडियो जो है इतनी ही रखता हूँ। तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें पीछे से किसी ने सॉन्ग प्ले कर दिया हुआ था, उसमें फिर वो मुझे पोर्शन जो है एडिट करना पड़ा, तो नहीं तो कॉपीराइट का आ गया हुआ था उसके ऊपर, तो बस ये वजह थी। बाकी मुझे लगा ये वीडियो जो है क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे बना देनी चाहिए और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दोनों में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।